दोस्तों वीवो की तरफ से मेरे पास दो से स्मार्टफोन है, दोनों ही ट्रेंडिंग चल रहे हैं। तो वीवो का Y95 और वीवो का Y15 जो अभी भी लॉन्च हुआ है, दोनों ही बेस्ट स्मार्टफोन है। दोनों में से कंपेरिजन करके बताऊंगा आप लोगों के लिए कौन सा स्मार्टफोन बेहतर रहेगा। दोस्तों डिज़ाइन के मामले में, कॉन्सेप्ट, कैमरा, परफॉर्मेंस, सारी चीज़ों को कवर अप करने वाला हूं इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। कौन सा स्मार्टफोन एक ही रेंज में है, दोनों स्मार्टफोन के बारे में एक एक करके डिटेल बताऊंगा। और दोस्तों बता दूं, आपका एक लाइक एक शेयर हमारी मेहनत का फल होता है। दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिए हमारी वीडियो पर। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों मेरे पास है दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों बॉक्स में देखते हैं आपको क्या क्या मिलता है, उसके बाद दोस्तों स्पेसिफिकेशन में देखेंगे आप दोनों स्मार्टफोन में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। दोस्तों सबसे पहले बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं, वीवो Y95 को यहाँ पर जल्दी जल्दी अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ पर अनबॉक्स करने के बाद आपको एक मिनी बॉक्स मिलता है जिसमें आपको यहाँ पर वीवो लिखा होता है। उसके बाद आपको खोलते हैं बॉक्स को, तो यहाँ पर आपको एक सिमुलेटर टूल, उसके बाद कुछ यूज़र मैनुअल्स वीवो की तरफ से दिया गया है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको ट्रांसलेट कवर दिया गया है वाइट में, तो काफ़ी अच्छा लगता है ट्रांसलेट कवर और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आपको हमारा फ़ोन मिलता है रेफर में बंद जो कि मिडिल ब्लू है। यहाँ पर ब्लैक और मिडिल का कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो यहाँ पर जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छी लगती है। तो सबसे पहले हम यहाँ फ़ोन को साइड में रख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको एक केबल मिलती है, USB केबल, जो केबल की जो लेंथ है ठीक ठाक है, बहुत ही अच्छी केबल की क्वालिटी दे रखी है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको ईयरफोन मिल जाते हैं, इसमें अच्छी बात है कि आपको ईयरफोन मिल रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक एडाप्टर मिल जाता है जो कि 5.2 एम्पीयर पर काम करता है, तो इतना कुछ सब मिलता है। दोस्तों यहाँ पर हम फोन को देखते हैं सबसे फटाफट से। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 20 MP का सेल्फी कैमरा रखा है, सेल्फी पे डिपेंड है, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है सेल्फी के लिए। और दोस्तों यहाँ पर आप बैक में आते हैं 13+2 मेगा पिक्सल कैमरा रखा है। यहाँ पर कैमरा क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है, मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद आपको LED फ्लैश, फिर यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर, और आप नीचे की तरफ जाते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर 3.5 ऑडियो जैक, उसके बाद यहाँ पर आपको माइक, और यहाँ पर आपको USB पोर्ट, और यहाँ पर स्पीकर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है पावर बटन, यहाँ पर वॉल्यूम बटन, और उसके बाद सिम ट्रैवल। तो इतना सब कुछ देखने को मिलता है हमको वीवो Y95। दोस्तों अब देखते हैं वीवो Y15 में आपको क्या देखने को मिलता है। दोस्तों सबसे पहले बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अनबॉक्स करते ही आपको एक छोटा सा बॉक्स मिलता है, मिनी बॉक्स, जिसमें आपको देखने को मिलता है मिनीवर्स कार्ड, फिर आपको एक सिमुलेटर टूल, और यहाँ पर आपको दोस्तों एक ट्रांसलेट कवर मिलता है। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों मिलता है आपको रेफर में बंद हमारा स्मार्टफोन, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक टाइप सी केबल दे रखी है, और उसके बाद आपको एडाप्टर दे रखा है 5.2 का। और दोस्तों यहाँ पर हम मोबाइल फ़ोन को हाथ में लेते तो काफ़ी अच्छा लगता है हैंडवाइज। और यहाँ पर आपको दोस्तों 16 MP का आपको कैमरा दे रखा है फ्रंट में, मतलब 16 MP का फ्रंट कैमरा रखा है। और दोस्तों बैक में ट्रिपल कैमरा दे रखा है, 13+8+2 MP का ट्रिपल कैमरा दे रखा है, और नीचे आपको फ्लैश लाइट, उसके बाद फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर आपको दे रखा है। और दोस्तों आप नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 3.5 ऑडियो जैक, उसके बाद माइक, उसके बाद देखने को USB पोर्ट, और दोस्तों यहाँ पर स्पीकर। और दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर पावर बटन, उसके बाद वॉल्यूम बटन, उसके बाद सिम ट्रेवलिंग के लिए सिम स्लॉट, उतना सबको देखने को मिलता है, और कुछ नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वीवो Y15 में सबको देखने को मिलता है यहाँ पर। दोस्तों बात करते हैं दोनों ही स्मार्टफोन इंटरफेस के मामले में कैसे लगते हैं। दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन इंटरफेस के मामले में बहुत ही बढ़िया लगते हैं, और दोस्तों शानदार लगता है वीवो Y95। दोस्तों यहाँ कंपेरिजन करते हैं दोनों की डिस्प्ले से, तो वीवो Y95 में आपको 6.2 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है, और वही वीवो Y15 में 6.3 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, मतलब वीवो Y15 तो इसमें इस मामले में आगे निकल चुका है। अब कैमरे की बात करते हैं, यहाँ पर आपको वीवो Y95 में 20 MP का कैमरा दिया गया है, वही वीवो Y15 में 16 MP का कैमरा दिया गया है। अगर आप सेल्फी के लिए चाहते हैं तो वीवो Y95 ही लीजिए। और उसके बाद दोस्तों बैक कैमरे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहां पर आपको बैक कैमरा दे रखा है वीवो Y95 में, 13 MP+2 MP का आपको बैक कैमरा दे रखा है, दो कैमरे दे रखे हैं वीवो Y95 में, और वहीं वीवो Y15 में आपको 13+8+2 MP का ट्रिपल रियल कैमरा दे रखा है, जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए दोनों ही स्मार्टफोन बेहतर है, लेकिन यहां पर आपको वीवो Y15 बहुत ही अच्छा दे रहा है कैमरा। और यहां पर स्टोरेज में दोस्तों 4GB रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज दोनों में मिल जाता है आपको। और वहीं दोस्तों बैटरी की बात करें, वीवो Y95 में आपको 4030 mAh की बैटरी दी गई है, और वहीं दोस्तों वीवो Y15 में आपको 5000 mAh का दमदार बैटरी दिया गया है, बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है। यहाँ आपको दोस्तों टाइप सी केबल दे रखा है वीवो Y15 में। और दोस्तों वर्जन की बात करें तो वीवो Y95 में आपको एंड्रॉयड का ऑडियो दे रखा है, ओल्ड वर्जन है। और यहाँ पर दोस्तों वीवो Y15 में आपको एंड्रॉइड 9.0 पाई दे रखा है। और दोस्तों बात करें प्रोसेसर की ओर बढ़े तो वीवो Y95 में आपको कॉम को स्नैपड्रैगन 439 का प्रोसेसर दिया गया है, तो अगर आप PUBG जैसे गेम खेलना तो इसमें खेल सकते हैं, लेकिन अगर और अच्छा प्रोसेसर चाहिए तो आपको दोस्तों वीवो Y15 में जाना चाहिए, MediaTek का हेलो P2020 दिया गया है। तो इतना कुछ सब कुछ मिलता है दोस्तों। डिज़ाइन के मामले में दोनों स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं एडवांस चीज़ें तो वीवो Y15 लीजिए, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा लगता है।
तो यहाँ पर दोस्तों स्मार्टफोन वीवो वाई 95 बढ़िया है, लेकिन डिज़ाइन के मामले में बढ़िया है, बाकी ओल्ड स्पेसिफिकेशन है तो आप वीवो वाई 15 ही लीजिए, काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन है। और कमेंट करके बताइए आप कौन सा कंपेरिजन देखना चाहते हैं, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिएगा, और आपका एक लाइक एक शेयर हमारी मेहनत का फल होता है। तब तक के लिए यार जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।